हेलो साथियों, आपका दोस्त एक और रूब्रिक के साथ आया है। आज का रूब्रिक एंजाइटी। हाँ दोस्तों, जैसा गुस्सा आने के कई कारण होते हैं, वैसे ही एंजाइटी के भी कई कारण होते हैं। चलो जानते हैं आखिर एंजाइटी होता क्या है। दोस्तों, देखा जाए तो जब तक एंजाइटी को अनुभव ना करें, तब तक इसका असली मतलब, इसका असली फील समझ पाना नामुमकिन होता है। वैसे तो आसान भाषा में एंजाइटी को गहरी चिंता कह सकते हैं। ये चिंता कई प्रकार की होती है और इस चिंता में पेशेंट बेचैन बेचैन रहता है, दिमाग अपने कंट्रोल से निकल जाता है। दोस्तों, एंजाइटी के केस में पेशेंट की हिस्ट्री काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एंजाइटी की एक खास वजह होती है और एक खास चीज के लिए पेशेंट एंजाइटी में आ जाता है। जैसे मर जाऊंगा करके एंजाइटी में आता है तो कोई अपने को खोने के डर में, ऐसे ही चिंता कई रूप के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। होम्योपैथी एंजाइटी के केस में काफी शानदार काम करती है। बस इतना जानना होगा पेशेंट का दिमाग कब और किन चीजों में एंजाइटी को स्विच ऑन करता हो और वो ऐसा क्यों बन गया हो। हाँ दोस्तों, होम्योपैथी में एंजाइटी को क्योर करने के लिए काफी सारी मेडिसिन आती है, पर आपको स्पेसिफिक रीजन और हर मेडिसिन के डिटेल तक जाना होगा, तभी आप पेशेंट को मदद कर पाएंगे। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।